विपक्ष पर पीएम के तीखे तेवर, ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। मणिपुर मुद्दे को लेकर जारी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। मॉनसून सत्र में मणिपुर पर जारी बवाल के बीच आज मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक खत्म हुई। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा, विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। लगता है विपक्ष को लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, इंडिया नाम लगा लेने से नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडिया मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। वही आपको बता दें, मॉनसून सत्र में यह पहली संसदीय दल की बैठक थी। यह बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में 15 अगस्त को हर घर झंडा लगाने के कार्यक्रम के बारे में भी विशेष जानकारी दी और इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।